हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे। देखते आज का टॉपिक क्या है, कैसे करना। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेल में पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल के बारे में। ठीक है, अभी पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल के बारे में आपने तो सुना ही होगा, एक्सेल में क्या होता है, उसका कैसे किया जाता है। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो कुछ ऐसे बेसिक क्राइटेरियाज एंड ईजी वे में आपको बताने वाला, जिससे आपको पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी था कि इस पे थोड़ा वीडियो बनाए ताकि उनको भी थोड़ी इससे जानकारी मिले, थोड़ा एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि ये होता क्या है। तो इसलिए मेरा ये वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर करें। ओके, चलिए यहाँ पर एक मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया, एंड ये टेबल में यहाँ पर मैंने कुछ डेट्स लिखे, अमाउंट लिखे, और उस डेट को कौन सा अकाउंट ओपन हुआ, जैसे सेविंग्स अकाउंट हुआ है तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब वो ओपन कब हुआ था, वो डेट यहाँ पे है, कौन से अमाउंट से ओपन हुआ था, अकाउंट का टाइप क्या हुआ यहाँ पे, एंड वो अकाउंट न्यू है या ओल्ड है वो इसके सामने लिखा हुआ है, कौन से ब्रांच का है उसके सामने लिखा है, उसका जो कस्टमर था जिसने ओपन किया था वो अभी भी है या छोड़ चुका है उसके बारे में लिस्ट। अभी मान लीजिए कि आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल चाहिए कि यहाँ पर जितने भी वेस्टर्न ब्रांच है, ठीक है, तो वेस्टर्न ब्रांच के टोटल अमाउंट क्या है, मतलब अमाउंट का आपको टोटल जानना है किसका, वेस्टर्न ब्रांच का। तो आप इसे पाइवट टेबल से इजीली कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं पाइवट टेबल से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करना कैसे, सबसे पहले तो आप ये पूरे टेबल को एक साथ सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना इंसर्ट, इंसर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा पाइवट चार्ट और यहाँ पे मिलेगा पाइवट टेबल। तो आपको ये पाइवट टेबल का इस्तेमाल करना है। पाइवट टेबल में जाने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे प्रेस करना है, एंड यहाँ पे जब आप ओके प्रेस करोगे तो आप गौर करोगे यहाँ पे आपके जो चार्ट्स में जो हेडिंग थे, आपकी डेट, अमाउंट, अकाउंट टाइप, ओपन डे, ब्रांच एंड कस्टमर, वो सारे हेडिंग्स आपके यहाँ पे पाइवट चार्ट में इधर पे आपको शो हो जाएंगे, डेट, अमाउंट, अकाउंट टाइप, ओपन डे, ब्रांच एंड कस्टमर। ठीक है, अभी इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट करोगे तो वो बाई डिफ़ॉल्ट जाते हैं रोज़ में, सिर्फ वही जाएगा वैल्यूज़ में जिसमें अंदर अमाउंट या कुछ नंबर्स होंगे। समझ में आपको, अगर कोई नंबर से या अमाउंट है तो डायरेक्टली आपका जाएगा वैल्यूज़ में, नहीं तो आप जिस पे भी टिक करेंगे वो डायरेक्ट जाएगा रोज़ में। चलिए अभी हमको जानना था वेस्टर्न के टोटल, वेस्टर्न का अमाउंट का टोटल। देखिए कितना इजीली कर सकता अभी इसे, जैसे कि वो था हमारा ब्रांच, आपने इसे टिक किया तो ब्रांच में देखिए सेंट्रल वेस्टर्न दोनों ब्रांच आ गया। अब आपको इसके सामने इसके टोटल चाहिए अमाउंट के, तो आप किस पे सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट पे। आपने ब्रांच पे सेलेक्ट किया तो किस में गया, रोज़ में। अब आपको अमाउंट पे जब आप टिक करेंगे तो किस में जाएगा, वैल्यूज़ में, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स है। ठीक है, आपने गया किसके अंदर, इसके अंदर आया, और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सेकंड में एक्सेल ने आपको बता दिया कि वेस्टर्न का टोटल कितना है एंड सेंट्रल का टोटल कितना है। कितना पावरफुल यूज़ है ना पाइवट टेबल का। इवन आपको और अच्छे से डेटा अरेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट किया तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट किसके अंदर जाएगा, रोज़ के अंदर। और एक और एक चीज़ है कि आपको इसमें टिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके भी नीचे रख सकते हैं, नहीं तो इसमें डालना, इसमें डालना, जिसमें भी डालना आप डाल सकते हैं। पहले मैं रोज़ का बता रहा हूँ तो रोज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये आ गया इसके अंदर। देखिए कस्टमर नीचे आया, और जैसे ही कस्टमर नीचे आया कितना ब्यूटीफुली इसने अरेंज कर दिया है कि सेंट्रल में दो टाइप के कस्टमर थे, एक जो छोड़ चुके हैं और एक जो है, और वेस्टर्न में भी दो टाइप के कस्टमर थे, एक जो कस्टमर जो छोड़ चुके हैं और जो अभी भी हैं, और उनके अमाउंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक और एक जैसे कि मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे अकाउंट टाइप, अब वो भी किस में जाएगा, रोज़ में। सी आप नीचे देख सकते हैं, ये रहा आपका अकाउंट टाइप। दो टाइप के ब्रांच थे, सेंट्रल एंड वेस्टर्न। सेंट्रल में जो कस्टमर है और जो छोड़ चुके हैं, और सेम वेस्टर्न में भी जो कस्टमर हैं और जो छोड़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो कस्टमर है उस पर दो टाइप के अकाउंट है, करंट एंड एफडी, और जो छोड़ चुके हैं उसमें भी तीन टाइप के अकाउंट है, करंट, रिकरिंग एंड सेविंग, और उनके अमाउंट भी शो हो रहे हैं, और यहाँ पे भी सेम है, उनके अमाउंट भी शो हो रहे हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए कि आपको वेस्टर्न ब्रांच का नहीं देखना है, सिर्फ सेंट्रल ब्रांच का देखना है, तो आप वेस्टर्न ब्रांच को बंद कर दीजिए तो यहाँ से आपको सिर्फ सेंट्रल ब्रांच का दिखाई देगा। ठीक है, प्लस पे क्लिक करेंगे वापस आपका ये ओपन हो जाएगा। अब आपने जो ये अकाउंट टाइप यहाँ पे डाला है, अब इसको आप यहाँ से क्लिक करके एंड ड्रैग करके इसके अंदर डाल सकते हैं फ़िल्टर में। देखिए ऐसे यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से ऊपर डाल के फ़िल्टर्स में डालना है। फ़िल्टर में डालने से प्रॉफिट आपका ये होगा कि अगर आपको सारे अकाउंट टाइप का नहीं देखना है, सिर्फ एक आध का ही देखना है, जैसे सेविंग्स का देखना है, रिकरिंग का देखना है,
तो उससे आप ये फ़िल्टर पे इस्तेमाल कर सकते हो। फिल्टर में आ जाने से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अकाउंट टाइप ऑल, इस पर आपको क्लिक करना है। सेलेक्ट मल्टीपल आइटम से क्लिक करना है आपको यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे ऑल को बंद करके जो आपको चाहिए उसको आपको टिक करना है। समझिए आपको करंट एंड एफडी का चाहिए तो वो दोनों को सेलेक्ट करना है, ओके करना है, और यहाँ से आपको सिर्फ करंट एंड एफडी का ही टोटल और उसके जितने भी अमाउंट है वो शो हो जाएंगे। अब आपको वापस से सबका देखना है तो आप उस पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ से ओके कीजिए, तो यहाँ से आपको सबका दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ से ये जो फ़िल्टर है मैं इसे यहाँ से उठा के कॉलम्स में डालता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने कॉलम्स में डाला तो ये कॉलम्स आपको सारे कॉलम से शो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कॉलम सारे एक एक सिंगल कॉलम आ गए, करंट, एफडी, रिकरिंग एंड सेविंग्स। ठीक है, अब इसमें भी आपको अगर मान लीजिए कि आपको सबका नहीं देखना है, सिर्फ रिकरिंग का देखना है एंड सेविंग्स का देखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम लेबल्स के आरो पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल को बंद करेंगे, जो आपको चाहिए मान लीजिए आपको करंट एंड सेविंग्स का चाहिए उन दोनों को टिक करके आप ओके कर देंगे तो आपको सिर्फ करंट एंड सेविंग्स का ही दिखाई देगा। ठीक है, ओके, अब आपको वापस से सब चाहिए तो आप उस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल ले लेंगे एंड यहाँ से आप ओके कर देंगे तो आपको सबका दिखाई देगा। तो ये था आपका पिवट टेबल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान वैसे मैंने आपको समझाया एक छोटा सा एग्जांपल लेके ताकि आपको पिवट टेबल समझ में आ जाए। अब बढ़ते पिवट चार्ट की तरफ। पिवट चार्ट भी सेम है, उसमें खाली क्या रहता है, ग्राफिक्स रहते हैं, आपके चार्ट बनते हैं और बहुत ईजीली आप एनालाइज कर सकते हैं। आपको फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट करना है, इंसर्ट पिवट चार्ट एंड क्लिक ऑन ओके। सेम ऑप्शन है, अब यहाँ से मान लीजिए आपने ब्रांच सेलेक्ट किया, ये आ गया एक्सिस के अंदर, कैटेगरी के अंदर आ गया ये आपका। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे किस में चला जाएगा, वैल्यूज़ में। ये सेलेक्ट किया आपने अमाउंट और ये किस में चला गया, वैल्यूज़ में। और देखिए कितना अच्छे से ग्राफ बन चुका है और इससे कितना ईजीली आप एनालाइज कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कौन से ब्रांच का ज़्यादा है, जैसे कि सेंट्रल का कम है एंड ज़्यादा किसका है आपका, वेस्टर्न का। ये सारा इसी चीज़ के एनालाइज के लिए यूज़ होता है पिवट चार्ट आपका, जिसमें आप अपना पूरा रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कौन से मंथ में आपका लॉस हुआ, कौन से मंथ में प्रॉफिट हुआ, सब चीज़ें के लिए आपका ये बनाना यूज़ होता है। उसके बाद कुछ और भी ऐड करना है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपने कस्टमर ऐड किया तो कस्टमर के हिसाब से देखिए इसके अंदर आ चुका है, जहाँ पर आपको शो होगा कि सेंट्रल में जो छोड़ चुके हैं उनकी जो मेजॉरिटी हो कम है और जो अभी है उनकी ज़्यादा है, और सेम वाइज वेस्टर्न में भी है। ओके, इसको अगर आपको कलर वाला चेंज करना है तो आप डिज़ाइन में जाके इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो, चेंज कलर्स में जाना है, वहाँ से जो भी कलर आपको पसंद आता है उस पर क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इसका चार्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा स्टाइल्स मिलेंगे, यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के स्टाइल्स हैं। यहाँ लेंगे तो आपको इसको डायरेक्ट नंबर के साथ दिखाई देगा, जो आपको पसंद आता है आप ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये LED टाइप का स्टाइल पसंद आ रहा है, उस पर मैंने क्लिक किया और वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको आपको किसी और चार्ट टाइप में कन्वर्ट करना है तो आप चेंज चार्ट टाइप पे जाइए, और चेंज चार्ट टाइप पे जाने के बाद यहाँ पे लाइन चार्ट लेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा डायग्राम, पाई चार्ट लेंगे तो आपको इस वे में, बार डायग्राम लेंगे तो आपको इस वे में एंड एरिया डायग्राम लेंगे तो इस वे। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चार्ट्स हैं इसमें, मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ से बार डायग्राम, बार डायग्राम लेने से आपका चार्ट ऐसा दिखाई देगा एंड जब आप इसको ओके करेंगे तो आपका चार्ट उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें भी आपको मेजॉरिटी मिलेंगे, अलग अलग चॉइसेस मिलेंगे, तो आपको जो पसंद आता है उस पर क्लिक करके उसे छोड़ सकते हैं और वही आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको ये वाला पसंद आया चाहे, आपने इस पर क्लिक किया और ये यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। समझ में आइए, ठीक है। तो पिवट चार्ट बेसिकली आपका यूज़ इसी के लिए होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने डायग्राम बना सकते हो इसके अंदर, जिससे आप शो कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि कब आपके ज़्यादा था आपका प्रोडक्ट का डिटेल्स में, मतलब कि आपका कब प्रॉफिट हुआ, कब लॉस हुआ, जो भी कौन से ईयर में ज़्यादा आपका बेनिफिट हुआ, ये सारी चीज़ आप इसमें पिवट चार्ट में कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर कुछ और भी ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने अकाउंट टाइप ऐड किया तो वो भी इसके अंदर चले जाएगा एंड वो भी शो हो जाएगा आपको यहाँ पे। सी, मैंने यहाँ पे अकाउंट टाइप ऐड किया, उसी हिसाब से देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका शो हो रहा है सारा डिटेल। आप इसे ड्रैग करके भी जूम कर सकते हैं और इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। सी,
यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टाइप के आपके ब्रांच थे, सेंट्रल एंड वेस्टर्न, और ये पूरा पार्ट आपका वेस्टर्न का दिखा रहा है एंड ये पूरा पार्ट आपका सेंट्रल का दिखा रहा है, जिसमें जो छोड़ चुके हैं उसमें करंट है, सेविंग्स है, और जो अभी है उसमें सेविंग्स है, रिकरिंग है एंड एफडी है। आप देख सकते हैं कि जो एग्जिस्ट जो अभी है उसमें रिकरिंग की जो मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा है ना वेस्टर्न ब्रांच में, और सेंट्रल ब्रांच में जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है वो है करंट अकाउंट की, और जो अभी हैं उनकी मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था आपका पाइवट चार्ट, जिसमें आपको बेसिकली ये समझ में आया कि कैसे आप डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कौन से मंथ पे ज़्यादा आपका मुनाफा हो रहा है, कौन से मंथ में आपका ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ये सारी जानकारी आप पाइवट टेबल में एंड पाइवट चार्ट्स में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो होप्स आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं, और अगर आपको ये शीट चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप मुझे अपना ईमेल आईडी सेंड कर सकते हो, उस पर मैं आपको ये शीट सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर सेंड करें कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर इस पर आपका वीडियो बना के उसको शेयर कर दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड जितना हो सके मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।